सो हे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, रियल क्रिकेट 24 रिलीज होने के बाद से ही आप लोगों ने यह डिमांड करके रखा है कि रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर कैसे कम्युनिटी फीचर्स को यूज करके गेम के अंदर रियल जर्सी, रियल प्लेयर का फेस, रियल इंटरनेशनल टीम गेम के अंदर कैसे ला सकते हैं, इसको आप एक वीडियो में बना के दिखाओ। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये रियल क्रिकेट 24 के कम्युनिटी फीचर्स के ऊपर होने वाला है, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गेम के अंदर रियल जर्सी से लेके रियल प्लेयर का फेस ऐड कर सकते हो एंड कैसे कम्युनिटी फीचर्स को यूज करके गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। तो ये सब कुछ गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर दबा कर रखो, ताकि ऐसे ही और भी सरप्राइज वीडियो आते ही आप उसको सबसे पहले आके देख सको। सो गाइस, रियल क्रिकेट 24 गेम को लेकर जितना हाइप नहीं है, उससे ज्यादा हाइप तो इस गेम का कम्युनिटी फीचर्स को लेकर है, क्योंकि इस कम्युनिटी फीचर्स को यूज करके आप गेम के अंदर रियल जर्सी, रियल फेस, रियल टीम को भी डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो, चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस, इस फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको 200 इंडियन रुपीस देना पड़ेगा, तब जाके आप इस कम्युनिटी फीचर्स को यूज कर पाओगे। 200 इंडियन रुपीस देकर आप हर महीना इस फीचर्स को यूज कर पाओगे एंड अलग अलग जो यूजर ने मॉड को क्रिएट किया है उसको डाउनलोड करके गेम के अंदर एक्टिव भी कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सर्च टाइप, यहाँ पर टूर्नामेंट, टीम, जर्सी एंड प्लेयर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके ठीक नीचे आपको सर्च ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आप इंडिया या फिर विराट कोहली या फिर जो भी चीजें चाहिए, RCPL, IPL जैसे टूर्नामेंट, यहाँ पर एशिया का आप लिख के सर्च करोगे तो एशिया का आपका टूर्नामेंट आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर मैंने RCPL लिखा, उसके ठीक नीचे RCPL ऑक्शन सेट कर दिया, वहां पर देख सकते हो मेरा जो RCPL का टूर्नामेंट है या फिर IPL टीम है उसके साथ यहाँ पर आ चुका है एंड लोगो भी एंड ट्रॉफी भी आपको ओरिजिनल देखने को मिलता है। तो आपको जो भी पसंद आता है, जिस बंदे का मॉड को पसंद आता है, उसको डाउनलोड करो एंड एक्टिव करके गेम के अंदर अप्लाई कर दो, आपके गेम के अंदर भी वो सारे चीजें सेम अप्लाई हो जाएगा जो उस बंदे ने बना के अपलोड किया है। यहाँ पर मैं टीम ऑप्शन पे जाके टीम सर्च करके दिखाता हूं, यहां पर मैंने टीम इंडिया सेट किया है, तो सर्च ऑप्शन पे मैंने इंडिया लिखकर सर्च किया, वहां पर नीचे आपको मिलेगा कि इंडिया का कौन सा टीम को आप डाउनलोड करना चाहते हो, इंटरनेशनल टीम को डाउनलोड करना चाहते हो या फिर वर्ल्ड कप के टीम को डाउनलोड करना चाहते हो। वहां से ऑप्शन सेट करके आप सर्च करो, यहां पर आपको काफी सारे बंदे का बनाया हुआ इंडियन टीम या फिर इंडियन टीम का लोगो देखने को मिलेगा, अपने पसंद के हिसाब से आप डाउनलोड करके एक्टिव कर दो, अपना गेम के अंदर भी वो सेम चीजें अप्लाई हो जाएगा। यहां पर लोगो वगैरह आपको देखने को मिलता है, यार काफी मस्त चीजें है जिसको यूज करके आप गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। यहाँ पर मैं इंडिया का काफी सारे देख रहा हूँ कि काफी सारे बंदे ने बना के अपलोड किया है, तो अपना मन पसंद जिसको आपको पसंद है कि ट्रस्ट है इस बंदे के ऊपर कि ये अच्छा बनाता है मॉड, तो उसका मॉड डाउनलोड करके एक्टिव कर सकते हो। तो सेम चीज मैं पाकिस्तान टीम को लिखकर सर्च करके दिखाता हूँ, पाकिस्तान मैंने लिखकर सर्च किया, यहाँ पर मैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल टीम सेट कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो पाकिस्तान के भी काफी सारे बंदे ने बना के अपलोड किया है मॉड, और धीरे धीरे करके जितना समय जाएगा और भी यहाँ पर बंदे के बनाया हुआ मॉड आएगा जिसको आप गेम के अंदर डाल पाओगे। तो इस ठीक चीज को अप्लाई करके आप पाकिस्तान के साथ साथ अलग टीम को भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बांग्लादेश का भी डाउनलोड कर लिया है। तो इस तरह से मैं गेम के अंदर सभी टीम का रियल लोगो से लेके रियल प्लेयर का लिस्ट भी डाउनलोड कर लिया है इस प्रोसेस को अप्लाई करके। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है सर्च बाय क्रिएटर, तो कोई बंदे का अगर आप लोग फॉलो करते हो UID, तो उस UID को यहाँ पर डाल के आप उसका बनाया हुआ मॉड को भी डाउनलोड कर पाओगे। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं सर्च ऑप्शन पे जाके एक और टीम को डाउनलोड करना चाहूंगा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के जाके यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल सेट कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम आ चुका है। यहाँ से आप जो भी पसंद आता है आपको, जिसके ऊपर भी ट्रस्ट है, आप उसको डाउनलोड करो एंड गेम के अंदर एक्टिव कर दो। सेम चीजें, सेम लोगो, सेम प्लेयर लिस्ट, प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स लेकर सब अपडेटेड हो जाएगा गेम के अंदर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर आप प्लेयर को भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे सूर्या कुमार यादव, तो आपको सेम स्पेलिंग को भी ध्यान पर रखना होगा कि आप कोई गलत स्पेलिंग नहीं डाल रहे हो, अगर आप गलत स्पेलिंग डालोगे तो यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो इसलिए इसको काफी मैंडेटरी है कि आपको जो स्पेलिंग है वो ठीक से लिखना पड़ेगा, जैसे कि विराट कोहली का स्पेलिंग आपको कोहली सही से लिखना पड़ेगा। उसके बाद बाबर आजम का स्पेलिंग अगर आप लोग ठीक से नहीं लिखोगे तो बाबर आजम को भी ठीक से लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर गेम के अंदर ऑप्शन मिलेगा एंड उसके बाद ही आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो विराट कोहली का काफी सारे बंदे ने फेसेस वगैरह बना के अपलोड किया है, तो यहाँ से प्लेयर को डाउनलोड कर सकते हो एकदम, अपने गेम के अंदर भी सेम प्लेयर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके और भी समय के साथ न्यू प्लेयर को आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बस जस्ट कुछ दिन हुआ है ये आया है, अभी भी काफी सारे मिल रहा है, तो सोचो एक दो महीना या फिर दो तीन महीने के बाद कितना ज्यादा मॉड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बाबर आजम को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो बाबर आजम का स्पेलिंग के लिए आपको आजम लिखना पड़ेगा, आजम लिखने के बाद आपको बी आजम देखने को मिलेगा, तो वहां पर सिलेक्ट करके आप यहाँ से बाबर आजम को भी डाउनलोड कर पाओगे। बाबर आजम का फेसेस वगैरह देख सकते हो कितना ज्यादा रियलिस्टिक क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप गेम के अंदर वही चीजें डाउनलोड भी करो एंड उसके साथ
साथ एक्टिव बटन पे क्लिक कर दो ताकि गेम के अंदर एक्टिव हो जाए वो चीजें, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर जर्सी डाउनलोड करना है, गेम के अंदर रियल जर्सी चाहिए तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कौन सा टीम का जर्सी डाउनलोड करना है, इंडिया, एंड इंडिया का कौन सा टीम के अंदर ये चीजें अप्लाई करना है, इंटरनेशनल के अंदर, तो इंटरनेशनल सेट कर दो। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल टीम का काफी सारे जर्सी मिलेगा, टेस्ट मैच से लेके ODI T20 का जर्सी भी मिलेगा और एकदम करेंट जर्सी भी मिलेगा, तो उसको भी यहाँ से डाउनलोड करके एक्टिव कर सकते हो। अगर आपको मॉड बनाना नहीं आता है तो आप दूसरों का यहाँ से डाउनलोड करके एक्टिव कर सकते हो। तो ये चीज़ों को आप फॉलो करके गेम के अंदर सेम जर्सी आप ला सकते हो और गेम को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर जर्सी डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ इंडिया का इंटरनेशनल नहीं, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 का भी डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से आपको जो भी चाहिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बांग्लादेश लिखा, बांग्लादेश इंटरनेशनल सर्च किया और बांग्लादेश का इंटरनेशनल टीम का जो लेटेस्ट करेंट जर्सी किसी ने बना के अपलोड किया है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, उसको डाउनलोड करो, सीधा एक्टिव कर दो, गेम के अंदर भी सेम जर्सी एक्टिव हो जाएगा गाइस। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यही इसका खासियत है कि अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप दूसरों का डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपको बनाना आता है तो आप पीसी से जाके यानी कि अपने पीसी सॉफ्टवेयर को यूज करके वहां पर बना के यहाँ पर अपलोड करोगे तो माई मॉड्स में भी आ जाएगा वो चीजें, ठीक है। तो इसको यूज कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान टीम को भी डाउनलोड कर लिया है। तो इस तरह से आप हर टीम का जर्सी डाउनलोड करो एंड उसको गेम के अंदर अप्लाई कर दो और आपका जो गेम है ना वो मतलब ऐसा लगेगा कोई आप रियल मैच खेल रहे हो या फिर अपने गेम को खुद मॉड बना के प्ले कर रहे हो, ऐसा लगेगा। यार ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट था और ये चीज आना भी चाहिए था, तो फाइनली ये चीज आ चुका है जहां पर आप दूसरों का बनाया गया मॉड को एकदम ऑफिशियली डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो गेम के अंदर। तो इस तरह से मैंने इंग्लैंड से लेके सभी टीम का गाइस डाउनलोड किया है एंड गेम के अंदर अप्लाई भी कर दिया है और मैं उसके बाद मैंने गेम प्ले किया ना, गेम प्ले भी काफी ज्यादा कूल हो गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ गेम प्ले करके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इजीली यहाँ पर डाउनलोड करके एक्टिव कर सकते हो। मैंने सर्च किया, बस आपको स्पेलिंग को ध्यान में रखना है एंड कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, तब आपको यहाँ पर सभी टीम या फिर जो भी आपको जर्सी चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको जो चीजें चाहिए ऊपर में भी सर्च टाइप में भी वो चीजें सेम टू सेम लिखना है। अगर आपको प्लेयर का फेसेस डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर प्लेयर सिलेक्ट करोगे, अगर आपको टीम डाउनलोड करना है तो टीम सिलेक्ट करोगे, अगर आपको जर्सी डाउनलोड करना है तो जर्सी सिलेक्ट करोगे। तो इस तरह से सिलेक्ट करके ही आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप होम स्क्रीन के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर दो एरो देखने को मिलता है, उस बटन पर क्लिक करना है ताकि आपका जो गेम है वो सिंक्रोनाइज हो जाए एकदम ओरिजिनल फाइल से, ठीक है। उसके बाद क्विक मैच में जाके देखोगे तो आपका गेम अपडेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने जो करेंट जर्सी मैंने डाउनलोड किया है उसी के साथ साथ आप लोग देख ही सकते हो ड्रीम 11 का जर्सी है, यह लेटेस्ट जो एडिडास का जर्सी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है गाइस। उसी के साथ साथ आपको ऑफिशियल इंडियन टीम का लोगो देखने को मिलता है, इंग्लैंड टीम का भी ऑफिशियल लोगो देखने को मिलता है और T20 का जर्सी भी मैंने इंग्लैंड का डाउनलोड किया था वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से ही गाइस आप सिंपली प्रोसेस को फॉलो करके गेम के अंदर जर्सी डाल सकते हो, गेम के अंदर और भी चीजें ऐड कर सकते हो, प्लेयर को भी डाल सकते हो, ये सभी चीजें कर सकते हो। प्लेयर का फेसेस वगैरह अगर आप लोग ओरिजिनल डाउनलोड करेंगे तो गेम के अंदर भी आपको ओरिजिनल फेसेस भी मिलेगा। तो इस तरह से ही गाइस आपको गेम को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लुक दे सकते हो और अपना गेम प्ले को और भी ज्यादा मजेदार बना सकते हो। तो होप गाइस आपको कैसे यूज करना है, कम्युनिटी फीचर्स ये तो मैंने समझा दिया है, तो अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की पूरा कोशिश करूंगा। लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए आपको 200 इंडियन रुपीज हर महीना देना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना है गाइस। तो गाइस ऐसे ही काफी सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलने वाला है, उसको देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अभी के लिए इतना ही गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।